अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन डेमन एंड पेथिस, और इस लेसन के आप लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, हु वर डेमन एंड पेथिस एंड वेयर डिड दे लिव, कि डेमन और पेथिस जो हैं वो कौन थे और ये कहाँ पर रहते थे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा है कि ये दोनों आपस में बहुत ही सिंसियर फ्रेंड्स थे और ये सिसिली के आइलैंड पर रहते थे। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ सिसिली टू यंग मैन नेम्ड डेमन एंड पेथिस। के बहुत बहुत पहले की बात है, आइलैंड सिसिली के जजीरे पर दो नौजवान रहते थे, एक का नाम था डेमन और एक का था पेथिस। दे वर नाउन फार एंड वाइड फॉर द स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप ईच हैड फॉर द अदर। दूर दराज तक वो दोनों एक दूसरे से अपनी जो गहरी और पक्की दोस्ती की वजह से मशहूर थे, उनकी दोस्ती जो है हर जगह मशहूर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वाज द किंग लाइक, कि बादशाह जो है वो किस तरह का था, यानी कि बादशाह किस तरह का इंसान था, बादशाह की शख्सियत क्या थी। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है स्टोरी में कि बादशाह बहुत जालिम था और वो अपने लॉज भी इसी तरह के बनाता था कि बहुत ही क्रूअल लॉज होते थे उसके। तो इसका आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने किंग के बारे में लिखना है, द किंग ऑफ दैट कंट्री वॉज क्रूअल टायरेंट, कि वहाँ उस मुल्क का बादशाह जो है जालिम और जाबिर था। He made cruel laws and he showed no mercy toward anyone who broke his laws. कि वो जो है जालिम अपने जालिम किस्म के कवानीन बनाता था और वो बिल्कुल भी रहम नहीं शो करता था, रहम नहीं करता था उसके ऊपर जो कोई भी उसके बनाए हुए कवानीन तोड़ता था, वो उसको बहुत ज़्यादा सख्त सजा देता था। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, Why did not the people rebel against the cruel king? आखिरकार लोग जो हैं वो रिबेल होता है बगावत करना, लोग बगावत क्यों नहीं करते थे उस जालिम बादशाह के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने लेसन में पढ़ा है, लोग इसलिए रिबेल नहीं करते थे क्योंकि वो बादशाह की जो पावर, ग्रेट आर्मी थी ना, उसकी पावर से डरते थे कि उसने बहुत ज़्यादा अपनी आर्मी बनाई हुई थी इसलिए। तो इसका आंसर फिर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है, द पीपल डिड नॉट डेयर रिबेल, लोग जो हैं बगावत करने की जुर्रत भी नहीं करते थे, बिकॉज क्योंकि दे फियर्ड द किंग्स ग्रेट एंड पावरफुल आर्मी, क्योंकि वो बादशाह की जो बड़ी और ताकतवर जो फौज थी उससे डरते थे। नो डेयर्ड टू से अ वर्ड अगेंस्ट द किंग और हिज लॉज, यहाँ तक कि वो बादशाह और उसके बनाए हुए कवानीन के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलने की भी जुर्रत नहीं कर सकते थे, यानी कि इतना ज़्यादा डरते थे बादशाह से और उसकी पावरफुल आर्मी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई इज पेथिस अरेस्टेड, के पेथिस को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन दिनों बादशाह ने एक न्यू जो है कानून बनाया था और पेथिस ने उस कानून के खिलाफ बोलने की जुर्रत की थी, जिसकी वजह से बादशाह की जो सोल्जर्स थे उन्होंने पेथिस को अरेस्ट कर लिया था। तो इसका आंसर फिर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है, पेथिस डेयर टू कंप्लेन अबाउट अ क्रूअल लॉ ऑफ किंग, के पेथिस ने जुर्रत की थी कंप्लेन शिकायत करने की, किसके खिलाफ, अबाउट अ क्रूअल लॉ, एक जालिम कानून के खिलाफ, ऑफ किंग बादशाह के बनाए हुए। देयर फोर ही वॉज अरेस्टेड, इसीलिए उसे जो है अरेस्ट कर लिया गया था, एंड वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, और उसे बादशाह के सामने पेश किया गया था। ही शोड नो फियर इन फ्रंट ऑफ द किंग, उसने बादशाह के सामने बिल्कुल भी वो खौफजदा नहीं हुआ पेथिस जो है, एंड टेल्स हिम दैट ही इज़ नॉट अलोन इन थिंकिंग किंग्स लॉज आर क्रूअल,
और उसने साथ बादशाह को ये भी बताया कि वो अकेला या तन्हा नहीं है ये सोचने में कि बादशाह के बनाए हुए जो लॉज हैं वो जालिम हैं। आल्सो पीपल डिसअप्रूव हिज लॉ, कहता है यहाँ तक कि लोग भी जो हैं वो तुम्हारे बनाए हुए कवानीन को पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज द किंग रिएक्ट टू पेथिस डिसअप्रूवल ऑफ हिज लॉज, के आखिर बादशाह का रिएक्ट, उसका किस तरह का रिएक्ट था, रद्दे अमल था जब पेथिस ने उसके जो लॉज जो है ना उसको डिसअप्रूव किया था, पसंद नहीं किया था। जब बादशाह को ये पता लगा तो उसका बिहेवियर क्या था? तो फ्रेंड्स, जब बादशाह को पता लगा तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, एकदम से उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम लोगों की तरफ से आए हो मुझे ये कहने के लिए, और साथ में उसने जो है उसे जेल में फेंक दिया, प्रिजन सेल में, और कहा कि 2 हफ्ते के बाद इसे जो है फांसी दे दी जाएगी। तो अब इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है? आप लोगों ने लिखना है द किंग्स रिएक्शन इज़ सो एंग्री, कि बादशाह जो है वो इस बात पर बहुत नाराज़ हुआ था, उसका रद्दे अमल बहुत गुस्से वाला था। ही बिकम्स इरीटेटेड एंड आस्क पेथिस इफ़ द पीपल हैव अपॉइंटेड हिम देयर चैम्पियन। बादशाह को इस बात से बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया और उसने पेथिस से ये पूछा कि क्या लोगों ने तुम्हें अपना चैम्पियन मुकर्रर करके यहाँ मेरे पास भेजा है? द किंग डिक्लेयर हिम अ रिबेल, बादशाह ने यहाँ तक कि उसे बागी भी कह दिया कि ये तो बागी है एक, एंड ऑर्डर्स हिज सोल्जर टू थ्रो पैथिस इन टू प्रिजन, और अपने जो सिपाही हैं उन्हें ये ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि पैथिस को जेल की कोठरी में फेंक दो, एंड किल हिम आफ्टर 2 वीक्स, और आज से ठीक 2 हफ्ते के बाद जो है इसे कत्ल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। वट पनिशमेंट डज द किंग अकर्ड टू पैथिस, के आखिर वो कौन सी सज़ा थी जो बादशाह ने पैथिस के लिए चुनी थी? तो फ्रेंड्स, कौन सी थी सज़ा? वो पनिशमेंट थी सज़ाए मौत, यानी कि मौत की सज़ा सुनाई गई थी पैथिस को, और बादशाह ने कहा था कि आज से ठीक 2 हफ्ते के बाद इसे फांसी दे दी जाएगी। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है? आप लोगों ने लिखना है द किंग्स अकर्ड टू पैथिस डेथ पनिशमेंट, के बादशाह ने पैथिस को जो है सजाए मौत की सज़ा सुनाई थी। ही पुट इन टू प्रिजन फॉर 2 वीक्स एंड ही शेल बी पुट टू डेथ इन द पब्लिक स्क्वेयर एट नून। बादशाह ने कहा था कि इसे 2 हफ्ते के बाद जो है पब्लिक स्क्वेयर पर, यानी कि जो अवामी चौक है वहाँ पर दोपहर के वक्त फांसी दी जाएगी, मौत दी जाएगी, एज एन एग्जाम्पल टू एनी वन एल्स हु मे डेयर टू क्वेश्चन किंग्स लॉ और एक्ट। और इसलिए वो कहा था, पब्लिक स्क्वेयर होता है जहाँ पर सब लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ यानी कि सब लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने इसे सजाए मौत देनी थी, इसलिए उसने कहा था कि सबके सामने दो, क्योंकि एज एन एग्जाम्पल टू एनी वन, क्योंकि दूसरे सबके लिए ना ये एक एग्जाम्पल बन जाए, मिसाल बन जाए, जो कोई भी मेरे बनाए हुए कवानीन के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोले या अमल करे तो उसको मैं यही सजा दूंगा, इसलिए उसने कहा कि इसे सबके सामने फांसी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज डेमन डू व्हेन ही हियर्स अबाउट हिज फ्रेंड्स इम्प्रिजनमेंट, के आखिरकार डेमन ने क्या किया जब उसे अपने दोस्त की इम्प्रिजनमेंट होता है कैद, कि जब उसे पता लगा कि उसके दोस्त को कैद खाने में डाल दिया है, तो फ्रेंड्स उसने क्या किया था? वो फौरन भागा भागा वहाँ गया, प्रिजन में गया, प्रिजन सेल में, और उसने गार्ड जो वहाँ के थे उनसे इल्तिजा की कि उसे उसके दोस्त से मिलने दिया जाए। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है? आप लोगों ने लिखना है व्हेन डेमन हर्ड दैट हिज फ्रेंड पैथिस हैड बीन थ्रोन इनटू प्रिजन, जब उसे पता चला कि उसके दोस्त पैथिस को कैद खाने में डाल दिया गया है, एंड अबाउट दिस सीवियर पनिशमेंट, और उसे वो शदीद जो सज़ा मिली है उसके बारे में भी उसने सुना, दैट वॉज़ टू फॉलो, जो कि जिस पर अमल किया जा रहा था, ही वॉज़ हार्ट ब्रोकन, तो उसका दिल जो है वो टूट गया, ही रश्ड टू द प्रिजन, वो भागा हुआ जेल की काल कोठरी में गया, एंड परसुएटेड द गार्ड
टू लेट हिम स्पीक टू हिज फ्रेंड, और जो वहाँ के गार्ड थे जो हिफाजत कर रहे थे उनको कायल करने लगा कि मुझे मेरे दोस्त से थोड़ी सी बात करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट थॉट ट्रबल्स द माइंड ऑफ पेथिस, कि आखिर अब पेथिस के दिमाग में वो कौन सी सोचें ऐसी आ रही थीं जो उसको तकलीफ़ दे रही थीं। अब उसको जेल में तो डाल दिया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जैसे लेसन में पढ़ा है कि वो मौत के लिए तो तैयार था, वो कहता था मेरे मरने से बहुत से लोगों के लिए आसानी होगी, लेकिन सिर्फ वो अपनी मदर और सिस्टर की वजह से परेशान था कि मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा। तो इसका फिर आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है ही वॉज़ प्रिपेयर्ड टू डाई, कि मरने के लिए वो बिल्कुल तैयार था, बट देयर इज़ वन थाट दैट ट्रबल्स हिम ग्रेटली, लेकिन सिर्फ एक ही सोच थी जो उसे मुसलसल तकलीफ दे रही थी। He worried about what will happen to his mother and sister when he gone, कि जब वो चला जाएगा तो उसकी माँ और बहन के साथ क्या होगा, यानी कि उन्हें कौन देखेगा, उन्हें कौन संभालेगा, बस यही सोच उसे तकलीफ़ दे रही थी। नेक्स्ट है अब हमारे पास, what is Pethys noun for throughout Sicily, कि पेथिस जो है वो पूरे सिसिली में किस तरह का आदमी मशहूर था, कि किस तरह का है। तो फ्रेंड्स हमने लेसन में पढ़ा है कि पूरे इलाके में ये मशहूर था ऑनेस्ट, कि ईमानदार आदमी है और अपने अल्फाज से कभी भी पीछे नहीं हटता। तो इसका आंसर फिर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है एवरीवन इन Sicily knows that Pethys was a man who has never broken his word and he was an honest man, कि पेथिस जो है वो अपनी कही हुई बात से कभी भी पीछे नहीं हटता और वो एक ईमानदार शख्स था। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट प्लान डज डेमन पर्पस टू पेथिस टू हेल्प हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू, कि डेमन ने क्या पेथिस को प्लान ऑफर किया था कि देखो मैं तुम्हारी जगह ये कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे हमने पढ़ा है कि पेथिस को कहता है डेमन कि मैं तुम्हारी जगह प्रिजन सेल में रह लूँगा जब तक तुम वापस नहीं आओगे, मैं बादशाह से इल्तजा करता हूँ कि तुम्हें फ्री कर दे ताकि तुम अपनी सिस्टर और मदर के लिए कुछ अरेंजमेंट्स जो हैं वो कर लो, और तब तक मैं तुम्हारी जगह यहाँ प्रिजन में रहूँगा। तो अब इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है डेमन प्रपोजेस टू पेथिस टू हेल्प हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू, कि उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं वो करूँगा, बाय गोइंग टू द किंग, बादशाह के पास जाऊँगा एंड बेग हिम टू ग्रांट पेथिस फ्रीडम फॉर अ फ्यू डेज, और उससे मैं ये इल्तजा करूँगा कि वो इजाज़त दे दे पेथिस को चंद दिनों के लिए आज़ाद होने की। He will take his place in the prison cell, और साथ उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी जगह यहाँ prison cell जो जेल की कोठरी है इसमें रहूँगा, and will give his words to the king, और बादशाह को साथ अपने ये अल्फाज भी कहूँगा that if you do not return by the appointed day, कि अगर तुम मुकर्रा दिन तक वापस नहीं आते he may kill me in your place, तो मेरी जगह जो है तुम्हारी जगह वो मेरा कत्ल कर दें या मुझे मार दें। ये प्लान जो था ये उसने पेश किया था अपने दोस्त पेथिस को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। हाउ डज डेमन प्लीड पेथिस केस बिफोर द किंग, के आखिर डेमन ने किस तरह से बादशाह के सामने जो है ना प्लीड किया था, इल्तजा की थी पेथिस के केस की। तो फ्रेंड्स क्या हुआ था कि उसने बादशाह के सामने जाके रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ उसे जाने दें ताकि वो अपनी मदर और सिस्टर को जो है आखिरी फेयरवेल कह दे, और साथ उसने ये भी ऑफ़र की कि मुझे उसकी जगह प्रिजन में डाल दो ताकि अगर वो वापस ना आए तो आप उसकी जगह मुझे कत्ल कर सकते हैं। तो इसका आंसर फिर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है डेमन प्लीड पेथिस केस बिफोर द किंग बाय रिक्वेस्टिंग द किंग टू अलाउ पेथिस गो होम फॉर अ फ्यू डेज टू बिड फेयरवेल टू हिज मदर एंड सिस्टर। डेमन ने बादशाह से ये इल्तिजा की थी पेथिस के केस के बारे में
कि उसने एक तो बादशाह से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो पैथिस को इजाज़त दे दें अपने घर जाने के लिए चंद दिनों के लिए, ताकि वो अपनी माँ और बहन को आखिरी अलविदा कह सके। और इसके अलावा ही ऑफर्स टेक हिज प्लेस इन द प्रिजन, और उसने ये भी ऑफर की, ये भी पेशकश की कि मैं उसकी जगह यहाँ जेल में रहूँगा अंटिल ही कम्स बैक, जब तक वो वापस नहीं आ जाता। और साथ उसने और क्या कहा, इफ़ ही डज नॉट रिटर्न, अगर वो वापस ना आया, देन किंग मे टेक माई लाइफ इन हिज प्लेस। तो उसने कहा कि बादशाह आप उसकी जगह मेरी जो है लाइफ है, मेरी ज़िंदगी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाई डज द किंग एग्री टू डेमन्स प्रपोजल, के आखिर बादशाह जो है ना वो डेमन के पेशकश पर क्यों रजामंद हुआ, किस बात पर हुआ? क्योंकि वो फ्रेंड्स इन दोनों की रजामंद दोस्ती और वफादारी को चेक करना चाहता था, इसलिए वो एग्री हुआ था। तो इसका आंसर फिर आप लोगों ने कैसे लिखना है, आपने अटेम्प्ट करना है, द किंग एग्रीज टू डेमन्स प्रपोजल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेस्ट देयर लॉयल्टी एंड ट्रू फ्रेंडशिप, क्योंकि वो उनकी वफादारी और सच्ची दोस्ती को टेस्ट करना, यानी कि उसको आजमाना चाहता था, इसलिए उसने इजाज़त दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। डज पैथिस लाइक डेमन्स बार्गेन विद द किंग एंड वाई, के क्या पैथिस को बादशाह की जो और डेमन की जो ये सौदेबाजी थी ये पसंद आई थी और क्यों, इसका रीज़न बताइए। तो फ्रेंड्स उसको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसने कहा कि अगर कुछ गलत हो जाए, मैं टाइम पे वापस ना आ सकूं, तो मेरा दोस्त जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठेगा। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है, पैथिस डिड नॉट लाइक द किंग्स बार्गेन विद डेमन, के पैथिस को बादशाह की ये सौदेबाजी डेमन के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ही डिड नॉट लाइक टू लीव हिज फ्रेंड इन प्रिजन विथ द चांस दैट ही माइट लूज हिज लाइफ इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, कि अगर कुछ गलत हो जाए तो वो जो है अपने दोस्त की ज़िंदगी की बाजी ही हार जाए, इस वजह से उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डू द पीपल रिप्रेजेंटेड बाय द वॉइसेस थिंक वेदर पेथिस विल रिटर्न टू डाई और नॉट, कि वो जो लोगों की आवाज़ें उन्होंने पेश की हैं इस प्ले में, वो किस तरह की आवाज़ें थी, वो क्या कहती थी कि क्या पेथिस जो है वो वापस आएगा या वापस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स वो दोनों मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें थीं, कुछ कहती थी कि हाँ वो वापस आएगा और कुछ आवाज़ें कहती थी कि वो मरने के लिए वापस क्यों आएगा। तो इसका आंसर फिर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है, देयर वर डिफरेंट ओपिनियंस दैट पेथिस हैज़ नेवर ब्रोकन हिज वर्ड्स ही विल सर्टेनली रिटर्न, कुछ इस तरह की वहाँ मुख्तलिफ राय थी लोगों की, कुछ इस तरह की थी कि वो ज़रूर अपने अल्फाज नहीं तोड़ता और वो यकीनन वापस आएगा। ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, वो एक इज्जतदार आदमी है, विल नॉट लेट सच अ गुड फ्रेंड डाई फॉर हिम, और वो अपने इतने अच्छे दोस्त को अपनी जगह मरने नहीं देगा। अदर्स थिंक ही विल नॉट, और दूसरे लोग ये ख्याल करते थे कि वो वापस नहीं आएगा। फ्रेंडशिप इज़ फ्रेंडशिप बट अ मैंस ऑन लाइफ इज समथिंग्स स्ट्रोंगर, वो उन्होंने कुछ दूसरे लोग ये कह रहे थे कि दोस्ती अपनी जगह दोस्ती है, लेकिन आदमी की अपनी ज़िंदगी कई गुना ज़्यादा मजबूत चीज़ होती है। वाई शुड ही स्टिक हिज हेड अंडर द किंग्स एक्स वंस ही हैज़ एस्केप्ड, कि आखिर क्यों वो बादशाह की कुल्हाड़े के नीचे अपना सर दोबारा से देगा, जबकि एक दफ़ा वो वहाँ से बचकर निकल गया है। तो ये वो ओपिनियंस थी लोगों की जो उसके बारे में वो कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। वाई डज नॉट पैथिस स्टे फॉर अनदर डे एज हिज मदर आस्क्ड हिम टू, कि जब पैथिस की माँ ने कहा था कि तुम एक दिन और रुक जाओ, तो आखिर वो एक दिन और क्यों नहीं रुका? तो फ्रेंड्स वो इसलिए नहीं रुका कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ और अपने दोस्त की ज़िंदगी बचा लूँ। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, पैथिस डज नॉट स्टे अनदर डे एज हिज मदर आस्क हिम टू डू, बिकॉज वो इसलिए नहीं रुका अपनी माँ के कहने पर क्योंकि डेमन इज लॉकअप्ड इन हिज प्लेस इन द प्रिजन सेल, के डेमन उसकी जगह जेल की कोठरी में बंद है, एंड ही वॉन्ट्स टू रीच दिस पोर्ट इन टाइम, और वो मौके पर वक्त पर पहुंचना चाहता था, टू सेव हिज फ्रेंड एंड फुलफिल हिज कमिटमेंट, कि ताकि वो अपने दोस्त की ज़िंदगी बचा सके और अपना जो वादा है उसको पूरा कर सके।
नेक्स्ट है हमारे पास, डू द रॉबर्स बिलीव बेथ हिज स्टोरी अबाउट डेमन एंड हिमसेल्फ। तो क्या वो जो दो लुटेरे थे उन्होंने डेमन की और बेथिस की जो स्टोरी थी उस पर यकीन कर लिया था? तो फ्रेंड्स, उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया था, वो कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है। इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है? आप लोगों ने लिखना है, रॉबर्स डू नॉट बिलीव बेथ हिज स्टोरी अबाउट डेमन। उन्होंने डेमन से उसकी जो कहानी है बताई है उसके बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। दे थिंक दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू इंडेंजर हिज लाइफ फॉर अ फ्रेंड। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही नामुमकिन बात है कि कोई भी शख्स अपने दोस्त के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाले। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, Why does the king mock Damon and what is Damon's response? के आखिर बादशाह ने डेमन का मजाक क्यों उड़ाया था और डेमन का आगे से रिस्पॉन्स जो है वो क्या था? तो फ्रेंड्स, बादशाह ने इसलिए उसका मजाक उड़ाया था कि उसे कहा था कि तुम्हारा दोस्त जो है ना तुम्हारे साथ ट्रिक करके गया है और वो यहाँ पर वापस कभी भी नहीं आएगा। और डेमन का रिस्पॉन्स ये था, उसने कहा था कि मुझे अपने दोस्त पर यकीन है। तो इसका आंसर फिर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है? द किंग मॉक्स डेमन दैट पेथिस हैज ट्रिक्ड हिम एंड ही विल नॉट कम बैक हियर टू बी किल्ड। बादशाह ने कहा कि वो तुम्हारे साथ जो है तुम्हें ट्रिक करके गया है, यहाँ पर कभी भी वो मरने के लिए वापस नहीं आएगा। डेमन रिप्लाइज दैट ही हैज़ फेथ इन हिज फ्रेंड, आई नो ही विल रिटर्न। तो डेमन ने आगे से कहा कि उसे अपने दोस्त पर यकीन है कि वो ज़रूर वापस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, What does the king say when he hears about two robbers? के बादशाह ने जब उन दो लुटेरों के बारे में सुना तो उसने क्या कहा? उसने कहा था कि उनको ज़रूर पकड़ो, अपने सिपाहियों को कहा और उन्हें सजा दो। तो इसका आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है? When the king hears about the two robbers, he says that he will see to it that those robbers are caught and punished. उसने कहा कि उनको पकड़ा जाएगा और ज़रूर सजा दी जाएगी। दे नियर बाई टू किल एन इनोसेंट मैन, वो तकरीबन एक मासूम आदमी को मारने ही जा रहे थे, यानी कि उनकी वजह से डेमन जो है उसकी जान चली जाती। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, वाई डज द किंग लेट डेमन एंड पेथिस गो फ्री। कि आखिर बादशाह ने डेमन और पेथिस को आज़ाद क्यों किया? तो फ्रेंड्स, उन लोगों की फ्रेंडशिप की वजह से, लॉयल्टी की वजह से, वफादारी की वजह से उसने उन्हें फ्री कर दिया। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है? द किंग लेट डेमन एंड पेथिस गो फ्री बिकॉज ऑफ देयर फेथफुलनेस, फ्रेंडशिप, सच लॉयल्टी बिटवीन देम। कि उनकी जो वफादारी थी, उनकी दोस्ती थी और इतना मुखलिस जो उनके दरमियान लॉयल्टी थी, उनके दरमियान खैर ख्वाही कह लें आप, उसकी वजह से उन्हें बादशाह ने आज़ाद कर दिया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा पास क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले। तो फ्रेंड्स, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि किसी भी प्ले का थीम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हुज बिहेवियर डेमन्स, पेथिस और किंग मोस्ट एडमायरेबल एंड वाई। कह रहे हैं आपसे कि पहले तो थीम बताइए, इस प्ले का थीम क्या है और किसका बिहेवियर, ये डेमन का, पेथिस का या बादशाह का, तीनों में से किसका बिहेवियर जो है सलूक वो ज़्यादा तारीफ के काबिल था और क्यों? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस स्टोरी का, इस प्ले का थीम जो है वो है ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती। और बिहेवियर की जहाँ तक बात है तीनों में से, तो आई थिंक सो पेथिस का बिहेवियर सबसे एडमायरेबल है क्योंकि वो डेयर करता है लोगों के साथ बोलने की, लोगों के अपने साथ बात करने की, लोगों की आवाज़ उठाने की, बादशाह के सामने बात करने की। और इसके अलावा वो हिम्मत करता है कि बादशाह के सामने मुंह पर बात कह सके और टाइम पे वापस भी आता है अपने दोस्त की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है? आप लोगों ने लिखना है, द थीम ऑफ द प्ले इज ट्रू फ्रेंडशिप। कि इस कहानी का जो थीम है वो सच्ची दोस्ती है। बिहेवियर ऑफ ऑल द थ्री कैरेक्टर्स इज गुड। कि तीनों किरदारों के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट आई थिंक दैट पेथिस कैरेक्टर इज मोस्ट अप्रिशिएबल बिकॉज ही स्पीक्स फॉर द पीपल एंड डिक्लेयर्स द किंग्स एज क्रूअल टायरेंट।
मेरे ख्याल में पैथिस का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा काबिले तारीफ़ है, क्योंकि वो लोगों के लिए बात करता है और बादशाह को उसके मुंह पर जालिम और जाबिर कहता है। ही रिटर्न्स इन टाइम टू सेव द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड, और वो वक्त पर वापस भी आ जाता है ताकि अपने दोस्त की ज़िंदगी जो है वो बचा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लेसन डेमन एंड पैथिस के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं।